तो दोस्तों गुड इवनिंग, बात करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने कल क्या बताया था और आने वाले कल क्या हो सकता है। डिस्क्लेमर, आप लोगों को पता है ये मेरा पर्सनल व्यू होता है जो मैं मार्केट में बताता हूं। तो आज क्या थी 9 तारीख, मिक्स टू पॉजिटिव बोला था और ये टाइम तेजी का बताया था, वहां बाउंस भी लिया बैंक निफ्टी ने। एक टाइम और बताया था 12:08 पे, आपको वहां डाउन आया था। तो ये टाइम जो होते हैं इस पे ये है कि आदमी अलर्ट हो जाता है, मतलब एक्टिव। 6 के 6 घंटा तो बिल्कुल नहीं, तो वहां थोड़ा देखो कि भाई किधर जा रहा है मार्केट। फिर मैंने आपको एक कॉल भी दी थी फ्री वाले चैनल पे, ठीक है, फ्री वाले चैनल पे, वो भी 50-60 रुपये बढ़ी थी। इसके बाद कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी को मार्केट दोनों साइड रह सकता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अपसाइड थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए मार्केट को। तो सुबह पता लगेगी, लास्ट में भी मार्केट 100 पॉइंट के 80 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी और करीब 40-35 पॉइंट निफ्टी को ऊपर जाके बंद किया है जहां दिख रहा था, ठीक है। तो देखो बैंक निफ्टी में 41,800 पर अच्छी पुट राइटिंग होल्ड रखी है, ये लेवल ध्यान रखना कल आप लोग, 41,800 क्या हो रखा है इस पर पुट राइटिंग हो रखी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट आपका यहां तक जाने की तैयारी कर रहा है 42,300 के करीब करीब, मतलब इतने पे, और इसके बीच में कहीं एक्सपायरी हो सकती है कहीं बैंक निफ्टी की। मेरा मानना ऐसा है 42 के ऊपर होनी चाहिए, होती नहीं होती वो तो खुलेगा जब पता लगेगा, मानना ऐसा है, ठीक है भाई, हो सकता है। तो ये ऐसा ही हुआ है जैसा तकरीबन बोला था, 30-35 पॉइंट ये माइनस में बंद, 45 माइनस में बंद हुआ है, उधर 96 बैंक निफ्टी प्लस में बंद। तो कल की आप बात मेरी समझ गए, ये एक आपका टाइम है 13:21 पे, यहाँ देखना है, ये तेजी का टाइम बनता है, यहाँ 50-100 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं, इस टाइम पे देख लेना है एग्जैक्ट, ठीक है। तो इतनी सी बात थी। अगर डाटा की बात करें तो बैंक निफ्टी क्या है, बी के ओवरसोल्ड टाइप से ही है, 0.6 के करीब है पीसीआर। तो अगर बाउंस आता है तो अच्छा आएगा, हाँ। और निफ्टी का बता देता हूँ आपको, निफ्टी में क्या हो रखा है, 18,200 पे कॉल राइटिंग जबरदस्त है। अगर ये लेवल टूटता है 18,230, ये ध्यान रखना, खाली 230 टूटता है तो फिर आपको 70 पॉइंट आराम से 60-70 पॉइंट ऊपर के मिल जाएंगे, और 200 टूटता ही नहीं तो फिर नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है, मैं बताता रहूंगा। तो इसके अंदर ये देखना है 41,800, इसमें 18,200, इस पे क्या हो रखा है पुट राइटिंग, मतलब इसके नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाना चाहिए, इसी के लेवल पे करीब बंद भी हुआ है आज। और निफ्टी में क्या हो रखा है, निफ्टी के अंदर 200 पे कॉल राइटिंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर 18,230 और ये जो है 41,900 के करीब पे, या 988 980, ठीक है, 41,980, मतलब 42,000 से 100 पॉइंट कम से लिया तो फिर आपको 200-250 पॉइंट ऊपर के मिलेंगे, ठीक है, इतना चीज ध्यान रखना, खत्म कहानी। और बैंक निफ्टी का पीसीआर अच्छा है, 1.08 है, ठीक है। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये देखो, ये राशि है आपकी, राशि में सभी राशि बढ़िया है कल के लिए, बस ये तुला राशि कमजोर है, इसके 2.5 पॉइंट है, बाकी सबके 3 और 3 से ऊपर है, ठीक है। मैं लगन चार्ट का बता देता हूं, तो आप जब तक चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिसने लाइक और नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया, देखो कोई भी एक उठा लेंगे यहां से, 5 लगन लेते हैं आज, ये ले लो 1 नंबर की लगन हो गई, चंद्रमा 3 नंबर में यहां पे हो गया, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट 4-4 आ रहे हैं, 4-4 को जोड़ो 8, 8 को 2 से डिवाइड करो 4 आ गए, ठीक है।
तो चैनल को लाइक, ये सब आप लोगों को पता है, मैं रोजाना नहीं बताता आपको। एस्ट्रो स्टॉक वाला चैनल हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चैनल, कुछ स्टॉक। SBI हमने 420 पे खरीदा था 2-2.5 महीने पहले, 620 हो गया, 50% प्रॉफिट मान लो। यूनियन बैंक 35 रुपये पे खरीदा था, आज 64 रुपये हो गया, करीब करीब 80-90% प्रॉफिट। ऐसे करके अगर देखो ना, वहाँ तकरीबन शेयर 40-50% बढ़ गए प्रीमियम में, जो स्टॉक वाला है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में नहीं फायदा होता है, स्टॉक में भी फायदा होता है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में आप लोगों ने किस पे ध्यान रखना है, बैंकिंग के शेयरों पे ध्यान रखो। 5-7 शेयर हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आए, मैं बता देता हूँ कौन कौन से शेयर हैं उनमें। SBI, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बैंक और है। तो ये बैंकिंग थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अभी, अगले 2-3 महीना के लिए भी, ठीक है। तो मार्केट अभी यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा हम लोगों को, देगा किसी दिन, अच्छा देगा, अभी ऐसे ही करेगा। ये पूरे वीक में मैं आपको एक टाइमिंग दे रहा हूँ, और ये यहाँ आपको 50-40 मिलेंगे। जब ऊपर खुलता है, अगर कहीं सपोर्ट नहीं लेता तो वो नीचे आएगा हर रोज। मैंने आपको ये ऑडियो मैसेज भी डाला था आज कि पिछले 8-10 दिन से देखोगे मार्केट ऊपर खुलता है, नीचे आ जाता है, माइनस में आता है, ठीक है, फिर बाउंस लेता है। आज निफ्टी बाउंस ले रहा था लेकिन उसको रोक दिया गया 200 पे। क्यों रुक गया? कि वहां पर कॉल राइटिंग जबरदस्त हो रखी थी, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा सपोर्ट दे जाता, वो ऊपर से धड़म गिर गया, वो गिरा, बैंक निफ्टी को भी ले गया, नहीं तो बैंक निफ्टी कुछ करके दिखाने वाला था आज। चलो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।